गढ़वा जिला अंतर्गत केतार प्रखंड के परसोडी गांव निवासी रीता देवी पति झरी रजवार डॉक्टर की लापरवाही के कारण जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। मामला यह है कि पलामू के मेदनी नगर स्थित सेवा सदन में उसने ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिया। जन्म के 2 घंटे बाद ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। बड़ा ऑपरेशन कराने में इस गरीब परिवार के करीब 70,000 रुपए खर्च हो गए। डॉक्टर द्वारा महिला को टांका लगाने का काम भी ठीक तरह से नहीं किया गया, इससे महिला की जिंदगी अधर में लटकी हुई है। मामले की जानकारी होने पर झाविमो नेता सह समाजसेवी विजय केसरी पीड़ित परिवार से मिलकर उसे हर संभव सहायता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जैसे भी हो पीड़िता का पूरा इलाज कराएंगे। उन्होंने कहा कि दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए आज हम कल ही हमको रात में सूचना बहुत देर रात मिला है कि एक मरीज जो रीता देवी है वो है आपका परसोडी रहने वाला, और उसकी जो व्यथा सुने हम तुरंत भागे भागे हम आए। हमारा आज बकरीद का मिलन था और कई जगह हमको जाना था, सभी प्रोग्राम रद्द करके हम आए हैं ताली गांव में डॉक्टर मंटू जी का क्लिनिक में आए हैं। एक ऐसा परिवार के पास हम आए हैं, हमें लग रहा है किसके साथ अन्याय हुआ है और इसका जो तकलीफ है, ऐसे लोगों को सजा मिलना चाहिए जो ऐसे बेदर्दी से इनका काम किया है। बेटी बचाओ पूरा दुनिया चल रहा है और एक बेटी के साथ तांडव किया गया है। इसमें हम समझते हैं कि 31/7 को जो डिलीवरी हुआ सीजन से और टाका नहीं सीने की वजह से यह सब कांड हुआ है, बच्चा भी मर गया इसका, आया गरीब परिवार से 70,000 रुपये ले करके कितना बड़ा अन्याय किया गया है। और अपना जो कमियां है, जो टाका नहीं लगाए, जो टाका इनका फट गया उसको छोड़ करके लगातार भेज दिए रांची रिम्स में, और रिम्स में भी वहाँ से जवाब मिला कि जहाँ कराए वहीं चल जाओ। मैं इसके गरीब को मदद करने के लिए आया हूँ और जितना हमसे बनेगा इसको मदद करेंगे, और पैसा इसका जो लगा है उसको वापस कराने परिवार देने कलप रहा है, हमारा कलप रहा है। मैं एक समाज सेवी के नाते समाज का मैं वंचित व्यक्ति का काम करता हूँ और इनको पूरा का पूरा मदद करूँगा मैं। इसके लिए पूरा जहाँ भी हमको जाना पड़ेगा हम जाएंगे और मदद करेंगे। गढ़वा पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।